फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, इन्फो मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया भोपाल में रह करके, उसका क्या परिणाम निकला और क्या क्या हमें आश्वासन दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद यही है कि पद वृद्धि अब बिल्कुल संभव है, हम बिल्कुल कागार पर पहुँच चुके हैं, हमारी मेहनत रंग ला रही है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जो हमसे वचन लिए गए हैं और हमें जो वचन दिए गए हैं वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी अपने MPTET वर्ग 3 वाले हैं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों की मांग चाहे थी, ये बात, ये 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल और हमारे सर आए थे, हमारे एसपी साहब जो है, ये 8 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर सीएम हाउस गए थे, वहाँ बात हुई। उसके बाद में बल्लभ भवन गए थे, बात होना अलग है। आप लोगों ने कहा था नीतीश में हमको चाहिए, आश्वासन चाहिए, ये हमसे वातावरण में क्या बात हुई सर बताएंगे और आप में से एक कोई और। पूरी गंभीरता से लिया है और चूंकि ये सबसे बड़ी सीढ़ी है और प्रदेश के मुखिया जी हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस विषय पर पहले से ही काम चल रहा है, पहली बार, और इसमें अगले 15 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। जो मांगे हमारी हैं वो उस पर गंभीरता से विचार करके निर्णय हो जाएगा। इसमें जल्दी काम करने के लिए हम सीएम हाउस से, उसके बाद फिर हम मंत्रालय भी गए, मंत्रालय में हमने ऑफिस में अपने कागज़ यहाँ भी दे दिए, वहाँ भी दे दिए हैं और फाइल उसकी तैयार करवा दी है। ठीक है, इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। बाकी हमने आपके जो प्रतिनिधि हैं इनकी वहाँ पे बात करा दी है, जिनसे हमारी बात हुई है वो प्रदेश के मुखिया हैं। कागज़ देने के बाद वो नीचे आता है, कागज़ फाइल तैयार होती है, उसके बाद कैबिनेट में उसको विषय को लाया जाता है। तो ये पहले से ही विषय चल रहा है, जब भी आप लोगों ने ज्ञापन दिए होंगे इस वाली कैबिनेट में, अब ये इस पर चाहेगा तो अपना काम हो जाएगा। बाकी आप इन लोगों से बात कर लीजिए। बोलो जोगार साथियों, जैसे कि आप लोग गए थे सीएम हाउस, उनको अलाउ किया गया अंदर जाने के लिए। वहाँ पर सीएम साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी है, जो आईएएस लेवल पर रहते हैं, तो उनसे हमने बातचीत की। हम सामने खड़े थे और उनसे हमने सामने बात की कि हमने ज्ञापन दिया पहले तो उनको, फिर उन्होंने हमसे समस्या पूछी। तो हमने हमारी जो समस्या थी, जो हमारे 4000 पद वर्ग 3 के अभी भी रिक्त है, उस पर भर्ती होनी चाहिए मेरिट लिस्ट के आधार पर, ये चीज़ हमने उनको बताई। तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है ये पहले से ही हमको इस चीज़ की जानकारी मिल चुकी है। तो जैसे ये जानकारी उनको मिल गई थी तो उस पर काम हो ही रहा है बोल रहे हैं वो, पर अभी जैसे उनके उनके डेस्क पे हम लोग ये ज्ञापन अभी देख के आए, तो उन्होंने ये बोला कि जो सीएम साहब है, शाम तक उनके डेस्क पे ये जो ज्ञापन दिया है ये उनके डेस्क पे पहुँच जाए और इस पर जल्द से जल्द जो है इसकी इस समस्या का निराकरण होगा। और जैसे भी ये जो 4000 पद है वो मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे 15 दिन के अंदर, और अगर 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो इसके लिए हम फिर से आएंगे। उन लोगों ने हमको अलाउ कर दिया है, बोले कि आप लोग अगर नहीं होता है तो, वैसे तो उन्होंने हमको पक्का आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा आपका काम। ठीक है, आपने क्वेश्चन आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आना नहीं पड़ेगा, वो काम हो जाएगा ऐसा है ना, उसी की बात को दोहराऊंगा मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूंगा। मैडम ने बोला 8 लोग गए थे, सब लोगों को पता 8 लोग गए थे, 8 लोग पता है ना। सबसे पहले इनको सीएम हाउस ले जाया गया, वहां से बात नहीं बनी तो कहां गए, वल्लभ भवन, राइट, क्यों गलत बोल रहा क्या? ठीक है, इनके बाद उन्होंने ये बोला है आश्वासन किस तौर पे दिया, हमने बोला कि हमको लिखित में चाहिए, लिखित में कैसा दिया उनको, जो अपने जो अपन ने जो PDF दिया ना उसमें दिया, उसमें सील साइन करके दी कि आपका 15 दिन में हो जाएगा। अब ये बताओ मेरे को 15 दिन किस तारीख को आ रही, और अगर नहीं होगा तो उसका क्या होगा? आज 15 दिन बोल रहे, मतलब ये बोल रहे प्रशासन के सामने कि 13 सितंबर, राइट, 13 सितंबर का बोल रहे। अरे 15 दिन तारीख रहेगी तो याद रहता है इंसान को, तारीख डेट अगर याद रहेगी ठीक से 15 दिन का वो नहीं है सर, आप भले 1-2 दिन आगे पीछे कर देना पर डेट ठीक है, डेट का 16 और 15 में कोई अंतर नहीं। हाँ ठीक है सर, ठीक है। और अगर सर आपने जो आश्वासन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, खुली प्रशासन को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी बातें मानी, आपने इस वे में समझाया हमको, हम भी ऐसे टीचर बन के बच्चों का भविष्य बनाएंगे, आप लोग देश की सेवाएं कर रहे हो और हम भी कहीं ना कहीं हमारे स्वर्ण मध्य प्रदेश को बनाने में योगदान देने के लिए इतने लोग आए हुए हैं, आप मानते हो इस चीज़ को सर?
और सेकंड चीज़ ये रही कि 4000 पोस्ट जब तक अगर नहीं भरेगी, 15 दिन का आश्वासन दिया उन्होंने, बोला कि 4 लोग आना, लेकिन अगर 15 दिन में डेट फिक्स करी उस दिन तक अगर 4 नहीं हुआ तो इतने लोग नहीं और लोग आएंगे। और अनुमति, अरे बोलने और करने में आवश्यकता नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। 1-to-1 बात में ये होता है कि आपको बोल दूंगा, लेकिन जो लिखित आश्वासन लाए ना, मतलब प्रूफ है, वो चीजें कहीं नहीं होना चाहिए। और हम सर आपको बोल दिया उसके बाद, अरे सुनो, अगर 15 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 4000 की बात पूरी नहीं होती, आप लोगों ने आश्वासन दिया, आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो, आप एसपी साहब हो, हम आपकी सेवाएं दी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 15 दिन के बाद अगर नहीं हुआ और हम लोग उससे ज़्यादा जनसंख्या में आएगा तो सब में अगर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी होगी। जा रहे हैं ये मान के चलो, हमारी आशा है कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अनुशासन का पालन करेंगे, जैसे कि अभी हमारे जनता यहाँ पे आ गए, रोड पे जाना, ये भोपाल अपनी ही राजधानी, अपने ही शहर है, अपने ही प्रदेश है और अपना ही सब कुछ है। बड़े कोई इसमें वो भी जाती है, एम्बुलेंस भी जाती है, कभी फायर ब्रिगेड भी जाती है और इमरजेंसी सेवा का, अगर ट्रैफिक बाधित होता है तो वो अपने लिए ठीक बात नहीं है। भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी को भी, तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम है, हमारे पास लोग आते हैं परमिशन लेने के लिए, हम परमिशन देते हैं, परमिशन देने के साथ साथ हम सारी व्यवस्था भी लगाते हैं। टैंकर पानी का आएगा, छाया में आपको दिखाएंगे, आपको निर्धारित जगह देंगे कहाँ पर रहेगा, पुलिस और ट्रैफिक और प्रशासन, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, सब चीज़ लगती है। अचानक से कहीं पहुँच के चला जाना वो चीज़ ठीक नहीं है, वो आपसे कम से कम अपेक्षा नहीं है कि अचानक से कहीं इकट्ठा हो जाए। आपकी परेशानी जायज़ है और वो अपनी जगह है, लेकिन किसी काम को तरीके से करना और किसी काम को बिना तरीके से करना वो ठीक नहीं होता। सर आपने जो बात रखी बहुत बहुत अच्छी लगी, हम बहुत बहुत सेटिस्फाई है, लेकिन एक बात ये कि आज तो आपको परमिशन से आए, हमारी गलती का परमिशन से नहीं, लेकिन आज आपको बता रहे हैं अवगत करा रहे, अगर 15 दिन का अगर हमारी मांगे जो डेट फिक्स करें, 4 लोग आएंगे तो ऐसा नहीं कि 4 लोगों को परमिशन, मेरे पास आई, मैंने नंबर दिया, सर ने नंबर दे दिए, मैंने नंबर दिया और मेरा ऑफिस पास में ही है, तो भी देखो हम लोग आप रिकॉर्ड कर लो, आप वीडियो बना लो, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। तो हमारी यही आपसे विनती है कि अगर 15 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग इससे डबल आएंगे, और हो सकता है कि किसी नेता जी हमारे जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं, तो वो चीज़ सही जगह पहुंच गई है और उस पर कार्रवाई होने की प्रक्रिया मैंने आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको बता दी है। प्रक्रिया क्या है कि वहां से आएगा सीएम साहब के मंत्रालय में, तो हमने वो टाइम कवर कर दिया, हमने खुद में जाके मंत्रालय में दे दिया कि हम दे रहे हैं जाके, सीएम साहब का जो ऑफिस है बंगला अलग है, सीएम ऑफिस है अलग, ऑफिस से जाएगा संबंधित मंत्री जी के विभाग में, मंत्री के विभाग के वो जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसको देखेंगे, फिर नीचे जाएगी फाइल, फिर नीचे से कमेंट्स लग के फाइल ऊपर आएगी और कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा, कैबिनेट से ओके होने के बाद फिर आदेश जारी होंगे, ये उसकी प्रक्रिया है। सर इसलिए सेटिस्फाई इसलिए नहीं होते क्योंकि हमको एक महीने पहले बोल दिया गया था वो आपके लगता है ऊपर जाने के, अभी अपन सीधे मुखिया जी के हैं, जिनको करना है वो तो मांगते हैं नीचे वाले, जहाँ दिया आपको है कि हमको टीचर बना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सीधे अपने घरों को जाएंगे यहाँ से।